गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है होली वाला दिन और अभी मैं अपने घर पे थी, ये अपने घर पे चले गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल यानी कि इनके घर पे। तो अभी हम लोग गाड़ी में है, ये बैठा माही और ये रे व्लॉग के साथ ही नहीं हो, मेरे वैसे भी साथी बेटा। इन्होंने पूरा जिम्मा उठा रखा था। ये देखो, ये भेड़ है, भेड़ अपने भाई। देखो बेटा, देखो छोटी छोटी काऊ शिप है, काऊ को जानते हैं। मैं इतना रश में तैयार हुई हूँ ना, बिकॉज सुबह लेट उठी, रात को माही 2-3 बजे तक जग रही थी। आपको मैं वीडियो भी बनाई थी, वो डालूंगी जब आपको पता चल जाएगा। और सुबह लेट उठी, फिर जस्ट बस नहाई हूँ और निकली हूँ, कुछ खास कुछ किया भी नहीं है। देखो मांग भी फैल रही है, जाके सही करेंगे। जल्दी जाना जरूरी था क्योंकि जाके फिर होली पूजनी है, उसके बाद ही कुछ खा भी सकते हैं। हाँ, सब लोग वेट कर रहे हैं। सो चलिए, अभी हम लोग रास्ते में हैं, पहुंचेंगे थोड़ी देर में। और माही को भी मैंने निंदी से उठा के और फिर नन नहीं कहलाई है। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, घर पहुँचने पर मिलते हैं। सो गाइज, अभी मम्मी जी बाहर आए हुए थे, जिया और यश, सो हम उनको लेने आए। आपको दिख रहे हैं वो बैठे, वो मम्मी जी बैठे हैं। ये रे मम्मी जी, ये रे यश, टकलू पकलू बन गए हैं। गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं हमारे मतलब मेरी ससुराल और मम्मी जी के भी। बाकी इन चारों बच्चों का तो नहीं, 3 बच्चों का तो घर है और ये तो बड़े हैं। सो ये देखो मेरा ससुराल है, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, देखो साकाल का मामा बना। ये किसी के गैस आई है। ये देखो कुलदीप, ये देखो भैया गए। अभी एक काम खत्म नहीं हुआ, ये देखो अभी चल ही रहा है, अभी हम घर बना ही रहे हैं। आराम से खाना, देख टकराना नहीं। देखो पापा जी आ गए। सो गाइस, ये हम होली पूजने जा रहे हैं, उसका सामान है। ये कुकड़ी है, ये हल्दी तिलक लगाएंगे, ये गुड़गी जिससे हम जिमाएंगे, और ये है बाल, गेहूँ की बाल होती है ये, और ये सब होते हैं बिल्कुले बोलते हैं इनको, और ढाल, ये सब भी होली माता के ऊपर जाएंगे। ये सब सामान है और साथ में पानी, ये रखा हमने पानी, ये पानी इसमें भर के रखा है। बस साइड में थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहिए मुझे, इयर रिंग्स चेंज करना अच्छे लगेंगे। कुछ डल लग रहा है, थोड़ा सा कुछ करके फिर मिलते हो आप लोगों से। चलिए, ये देखो माई अपने भैया के साथ खेल रही है, यश इसको प्लेइंग करा रहा है गोदी में लेके। देखो, और ये जिया, देखो ये जिया नीचे खेल रही है, जिया माई को प्लेइंग करा रही है, यश माई को प्लेइंग करा रहे हैं। माही के मजे हो रहे खूब। आ जा आ जाओ, लो आ गई, अब बताओ गोदी ले लो, भैया ने ले तो रखा है। ये मेरी प्यारी सी दीदी, और देखो मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, और दीदी देखो दीदी पतलू सी है, जब से आए हैं ना हम दीदी तब से ऐसी है। और हम लोग तैयार होके एकदम खड़े हुए हैं और अब हम लोग निकलेंगे। और मैं अभी सही लग रही हूँ ना दीदी, सुंदर लग रही हूँ। इयर रिंग्स पहन ली, थोड़ी सी मैंने लिप बाम लगा ली है ना, अच्छी लग रही है। ये थोड़ा सा फैल रहा है ना, इसको सही करना पड़ेगा। सो चलिए, हम आपको रास्ते में मिलेंगे और मैं आपको होली भी दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या पूजा करते हैं, किसी से यश शूट करा रहे हैं ना। हाँ, उसको पता। सो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं होली पूजने, माही को जिया को यहीं छोड़ के जाएंगे, यश को, और अब हम मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी से भाभी को, सपना को और प्रिंसी को। मम्मी इधर ही रहने वाली है, ये देखो माही, ये माऊ तो मेरे बिना रहेगा, देखो कैसे कर रहा है, बाय कर रहे हैं। और घर में चल रहा है काम अभी, इन्वर्टर वगैरह और वॉश बेसिन वगैरह का। ये भैया है हमारे, काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ी लाइट की कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से इन्वर्टर। ये मैंने पहन लिए लोफर्स और अब हम जा रहे हैं। ये देखो, ये 3 मूर्ति यहाँ पे हैं, इन 3 मूर्तियों के साथ मैं जा रहा हूँ। ये रही, ये देखो 3 मूर्तियाँ। तो घर का काम अभी चल रहा है इसलिए इतना सब फैला हुआ है। देख रहे हो,
आजकल ऐसा हो गया है कि होली पूजने भी गाड़ी से जाते हैं। हमारा गांव भी देखो एकदम मॉडर्न है, देखो बिल्डिंग अच्छी अच्छी बना रखी है लोगों ने। गांव मतलब गांव जैसा नहीं है सब, यहाँ पे लोग हर चीजें एंजॉय करते हैं। गांव गांव जैसे रहे ही नहीं है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं होली की पूजा करने, और ये देखो हमारे गांव की सब औरतें जो होती हैं और लड़कियां जो होती हैं वो सब लोग यहाँ पे होली की पूजा करने आई हैं। हर गांव में सेम होता है, हर गांव में जहाँ जिनकी होली होती है वहाँ पे वो लोग पूजा करने जाते हैं। और यहाँ पे दीदी और सपना पहले पूजा करेंगी, मैं इन लोगों का शूट कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। सो पूजा करने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपने डार और बिड़कुले लेके आए हैं उनको बाहर निकालेंगे, इसके बाद हल्दी लेंगे और हल्दी से उन पर तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद हम जो गुड़ और घी लेके आए हैं उनसे इनको जिमा देंगे। अब मेरी बारी आ गई है, अब मैं पूजा कर रही हूँ। जैसे दीदी ने और सपना ने पूजा करी सेम प्रोसेस मैं करूँगी, और ये बाल हैं ये मैं डाल के ऊपर रख दूँगी। इसके बाद मैं जो इनकी माला बना के रखी है इसके ऊपर कुकड़ी से बांध दूँगी। इसके बाद हम लोग इसका एक चक्कर लगाएंगे, पूरा इस कुकड़ी को चारों तरफ होली के लेके जाएंगे और वापस आएंगे और यहीं पर इसको बांध देंगे। तो ये होती है हमारी होली की पूजा, आप लोगों के यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। सो अभी हमारी पूजा हो चुकी है और अभी हम वापस जा रहे हैं घर। सो चलिए अभी घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस ये हमारे गांव की होली, ये देखो गांव में हमारे पूरे गांव की एक ही है, ये सब लोग यही आते हैं। ये देखिए कितने लोग अभी भी बैठे हुए हैं, हमारे तो पूजा वूजा करके आ गए। क्यों भाई हो गई पूजा? चलो बंद करो, चलते हैं फिर। ये सब लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं अभी, और फिर रात में आएंगे यहाँ पे तो होली का दहन चलेगा। कितने लोग करके जा रहे हैं देखिए लाइन से, और ये देखिए डंके एक और वो सब यहाँ पे सब पड़ा हुआ है देखो। सो गाइस ये जो मंदिर देख रहे हो ना आप, यहाँ पे मेला भरेगा। कब भरेगा? कल। कल भरेगा। येसुदास बाबा का मंदिर है ना ये, अच्छा बाग बना दिया। हाँ, पहले तो नॉर्मल सा ही था। यहाँ इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको मम्मी जी से जाके सुनवाऊंगी क्या स्टोरी है, उनको अच्छे से पता है, मेरे को पता है बट मैं गलत बता दूंगी हो सकता है। सो मम्मी जी से जाके सुनवाऊंगी आपको। और चलिए अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोगों की पूजा हो गई है। सो चलिए मिलते हैं घर जाने के बाद। यहीं पे हम लोग पहले छोटे थे जब पत्ते खेलते थे, पत्ते खेलते थे पहले, ये तालाब था उधर अच्छा खासा, यहाँ पे हम लोग पड़े रहते थे। तो भाई लोग मेरे साथ वालों को जो मैं तालाब का किस्सा बताता हूँ वो यही है। सो गाइस ये जब होली पूज के आते हैं ना तो घर के पोठे सिला के और फिर अंदर जाते हैं, और ये साथी बना रहे, ये सब रस्में रिवाजें होती हैं, और इनके करने के बाद ही हम लोग घर के अंदर जाएंगे। सो दीदी बड़े हैं, सो दीदी ये सब कर रहे हैं। और अब ये देखो एक साइड में दीदी ने बना दिया है साथिया, दूसरी साइड में बना रहे हैं। अब ये पूरा होने के बाद फिर हम लोग घर के अंदर जाएंगे। सो चलिए हमारा हो गया है अभी, और अब हम लोग माही क्राई कर रहे हैं। पाँव दो जी। नमस्ते भैया, होली की। नमस्ते भैया, भूल जाते केशवदास बाबा के क्या है वो मानता जाता है उसकी बाबा की। हाँ। वो इतनी सकड़ा, एक बार ना बहुत ज्यादा मतलब ओला गड़गड़ा रहे थे ऐसे। हाँ। तो सबको लग रहा था अभी मतलब ओला आएंगे, तो जो वो थे ना केशवदास जी, उन्होंने मतलब अपने बैठ के और भगवान को पता नहीं कैसे क्या किया क्या नहीं, उसने मतलब पूरे ओले अपने मंदिर में ही डलवाए, अंदर डलवा लिए पूरे, अंदर जो बाउंड्री थी ना मंदिर की। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें वो पूरे ओले गिरे, कम से कम एक एक फुट गोले चढ़ गए थे ओले। हाँ। और बाकी खेतों में कहीं नहीं, एक भी ओला नहीं पड़ा बाहर। सो ये है सब पूरी फसल एकदम सेफ। ओले ओले सिर्फ मंदिर में, बाउंड्री के अंदर अंदर बाहर नहीं एक भी ओला गया, इसलिए पूछते हैं। इसलिए तब से बाबा की पूजा होती है, और सकड़ाई है सब जो बोलते हैं मानते हैं सबको मतलब अच्छा करता है बाबा। सो पुराने जो देवता देवी देवता होते थे ना, सती माता जो भी होते थे, उनके अंदर इतना ज्यादा
सत होता था कि वो अपने ही वो भी खाओ भी क्या हुआ बेटी ये लो तो चलिए अभी माही परेशान कर रही है तो कितना क्यूटी लग रहा है खाओ सब कुछ माही ले लिया हम ले लिया सब तो चलिए अभी हम खाना वाना खा लेते हैं भूख लग रही है उसके बाद आप लोगों से मिलते खाने में दिखाते हो क्या लगा गए हो तो हमारे यहाँ पे जब भी कोई पूजा वूजा करते हैं तो बड़े लोगों के पाँव छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो अभी मैंने सेम किया है तो चलिए आप लोगों को खाने के बाद मिलते हैं बाय। तो ये टम्मी जा रही है कहाँ जा रही है टम्मी कैरी और कोड़ा लेने जा रही है तो हम लोग खड़े हैं अपने घर के अंदर और अब थोड़ा सा घर का दर्शन कराते हैं थोड़े से क्योंकि हाँ थोड़ा सा ही दिखाएंगे क्योंकि अभी काम चल रहा है तो जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब कंप्लीट होने के बाद अच्छे से दिखाएंगे और गांव के आसपास के घर हैं वो भी हम ऊपर से देखेंगे ऊपर जाएंगे सेकंड फ्लोर पे वहां से देखेंगे सब। ये हमारी मौसी जी है तेरी मम्मी की सोनिया ताई जी भी है हमारी मौसी जी भी है इनका घर हमारे यहाँ बिल्कुल पास में ही है हर मौसी और ये मेरी मम्मी भी है हाँ ये मेरी मम्मी डबल प्रिंसी की डबल रो मौसी भी और मम्मी भी और सासू भी हाँ तीन है तीन तीन रोल में मौसी काम कर रही है ट्रिपल रोल प्ले कराती ये देखो गाइस मम्मी रुक जा ऐसे कह रही रुक जा क्योंकि मम्मी अभी बिल्कुल भी कुछ भी तैयार नहीं है तैयार होने की जरूरत ही नहीं है देखो ऐसे ही सुंदर लग रही है इतनी एज में तो ऐसे ही सुंदर ही होती है चेहरा थोड़ा खराब हो रखा है काला काला हो गया क्योंकि यहाँ पे घर का काम चल रहा है ना तो उसमें काम वाम में रहती है धूल मिट्टी उड़ रही है आपको पता ही है घर का काम चलता है तो कितना धूल मिट्टी उड़ता है जब अहमदाबाद आती है तब एकदम गोरी हो जाती है वो देखो अंदर कौन छुपा हुआ है ये देखो ये टम्मी ये हमारी मौसी जी की लड़की ये छोटी है कि बड़ी है पता नहीं दो चार ये जुड़वा है दो ये दो दो मिनट छोटी है कितने मिनट छोटी है पाँच मिनट छोटी है ये जो अभी अभी हमने मौसी दिखाई थी ये रही देखो हमारी मौसी और ये रहे हमारे मौसा जी ये देखो मौसा जी कह रहे दिखा दिखा ये मौसा जी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है कौन देख रहे हो कोई नहीं देख रहा मैं डालूंगा इसको यूट्यूब पे फिर देखेंगे व्लॉग बना रहे हैं व्लॉग शूट कर रहे हैं तो मौसा जी देखो कैप वैप लगा के एकदम मस्त ये हमारे पापा जी ये देखो गाइज पापा जी भी कैसे थके थके हो रखे हैं कई दिन से काम चल रहा है कितने महीने हो गए पापा जी घर का काम करते हुए कितने महीने हो गए कितने महीने हो गए घर का काम करते हुए पापा जी पूछ रहे कौन है अभी तो मैं ये पापा जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर ये व्लॉग में आ जाएगा ये दो तीन दिन बाद यूट्यूब पे आएगा पापा जी पूछ रहे कौन है और ये जयवीर ये मेरा छोटा भाई ये भी वहीं रहता है अहमदाबाद मेरे साथ तो गाइज देखो ये है यश मेरे बड़े भाई का लड़का और ये है जिया ये जयवीर की गुड़िया और वो इसके पड़ोसी हमारे पड़ोसियों के हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अब हम दिखाते हैं ये है सपना और ये है भाभी हमारी भाभी जी जो है वो क्या धुले जा रहे हैं बर्तन धुले जा रहे हैं नई किचन में हाँ और भाई हमारे पता नहीं कहाँ है जिम गए जिम कर रहे हैं उधर एक्सरसाइज ठीक है इस ये हमारे बड़े भाई साहब ये देखिए ये टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बना रखी है बॉडी कभी फिर दिखाएंगे ये देखिए गाइस ये बच्चे आए हुए हैं इन बच्चों से मिलने के लिए तो ये देखिए मेन रोड से ऊपर हम चढ़ेंगे यहाँ से दोनों साइड में स्टेट्स हैं उस साइड में भी हैं यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगेंगे बाद में और यहाँ पे सामने भी ये छोटा सा देखिए एरिया है
और इस एरिया में यहाँ से हम अपने दूसरे प्लॉट में जा सकते हैं, स्टेयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी, ठीक है। ये उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करते हैं, तो ये जो गेट लगे हुए हैं ये हमारे पुराने वाले लगे हुए हैं, अभी नए गेट हमें बनाने हैं तो ये टेम्परेरी लगा दिए हैं फिलहाल। तो अब हम अंदर चलेंगे। ये पिंकी, ये यहाँ पे ये देखिए महिलाएं जो है गप्पे मारते हुए, और ये हमारी किचन, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, बस अभी काम थोड़ा थोड़ा काम हुआ है इसमें, ठीक है। ये टाइल्स वगैरह ही लगाए अभी, और उसके बाद ये हॉल, और यहाँ पे ये बाकी है, ये हमारा लिविंग रूम है। और ये देखिए ये फॉल सीलिंग का काम हो गया है, लेकिन लाइटिंग बाकी है पूरी, इसमें पूरी लाइटिंग बाकी है। देखो ये मैंने वहीं से डिज़ाइन सेलेक्ट करा था, देखिए, ठीक है। ये इसमें उसमें फ़ैन लगेगा, यहाँ पे एक झूमर लेके आएंगे अच्छा सा, और इधर फैन लगेगा, और इनमें लाइटिंग होगी। तो ये अभी बाकी है पूरा, ये जो लास्ट वाला जो है इसका बॉर्डर में लाइट लगा दी है, देखो कलरफुल बड़ी अच्छी लग रही है, ब्लू रेड और शायद नॉर्मल वाइट, देखिए। और गाइज वो ऊपर जो है वो स्टोर बनाया हुआ है, और आप ही, और ये इसका फ्लोर पूरा तैयार हो गया है। उसके बाद ये एक रूम है, यहाँ पे हम अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे ये रूम है, एक रूम ये है। यहाँ से हम निकलते हैं बाहर तो ये हमारा साइड व्यू आ जाता है, और गाइज ये देखिए पूरा ओपन है, तो इतनी शानदार हवा आती है यहाँ से। और यहाँ पे हमने लेट बाथ दिए हैं, ठीक है, अंदर से नहीं दिखाऊंगा, तो ये वॉश बेसिन वगैरह है, और देखिए पूरा काम बाकी है, बाकी का बस अभी तो रो तैयार हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। फिर इसके बाद में इस रूम से हम अंदर आएंगे तो ये दूसरा रूम है, ठीक है, जहाँ पे अभी पापा बैठे हुए हैं, मौसा जी बैठे हुए हैं, जयवीर बैठा हुआ है। तो इस रूम में देखो थोड़ा सा काम हो गया है ऊपर, पीओपी वगैरह, लाइटिंग फॉल सीलिंग का, और फैन लगाया एक। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ये देखिए गाइज यहाँ पे पूरा जो आयरन का बनके, और यहाँ पे पूरा वो मिरर आएगा, मतलब ग्लासेस जो होते हैं, ठीक है, वो लगेंगे। और यहाँ पे ऊपर का इसका तो काम हो गया है पूरा, ठीक है, ये बाकी सब बाकी है। यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह लगनी बाकी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पानी वानी के वो दे दिए हैं, और ये थोड़ा सा बनाया है। तो यहाँ पे एक झूले के लिए एक जगह दे दिया है, देखो यहाँ पे ये कड़ा छोड़ दिया है, और ये दो, और बाकी यहाँ पे लाइटिंग दे दी है। अभी थोड़े टाइम बाद लाइट जला के देखेंगे पूरा घर की। ये देखो ये सब बाकी है, मेन तैयार हुआ, अभी इनमें रेलिंग आएंगी, कुछ डिजाइंस आएंगे, वो सब बाकी है अभी। यहाँ पे ऐसे देखो ये ऐसे खुला नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ रेलिंग्स वगैरह लगेंगी, तो वो सब बाकी है। जैसे नीचे दो रूम थे वैसे ही उसके ऊपर यहाँ पे भी दो रूम हैं,